हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम बनाएंगे सूजी रोले से चटपटा सा नाश्ता। तो आइए बनाते हैं इसको। यहाँ पे हमने अपना सारा सामान तैयार करके रख लिया है। ये देखिए क्या क्या रखा है। उबले हुए आलू हैं, एक कटोरी उबले हुए आलू लिए हैं, एक कटोरी मटर, दो छोटी सी प्याज बारीक कटी हुई, बारीक कटा हुआ धनिया, बारीक कटा हुआ दो हरी मिर्च और चार पाँच कली लहसुन की, और अदरक भी इसमें हमने पीस लिया है, इसका एक पेस्ट बना लिया है, थोड़ी सी राई, एक कटोरी सूजी। आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने एक कढ़ाई ली है अपनी, इसमें हम दो चम्मच तेल डाल लेंगे। इसको अच्छे से गर्म होने देंगे। ये तेल हमारा गर्म हो गया है, इसमें हम थोड़ी सी राई डाल देंगे। इसको अच्छे से चटकने देंगे। थोड़ा पानी डालेंगे हम, इसमें डालेंगे आधी चम्मच नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच हल्दी। इनको अच्छे से चला देंगे, इसको इस तरह से चला देंगे और इसको उबलने देंगे थोड़ा सा। जब तक ये उबल रहा है हम अपनी पिट्ठी तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे हमने जो अपने आलू लिए थे इनको हम इस तरह से मैश कर लेंगे। इस सारे आलू कैसे हैं, ये आलू हमारे मैश हो गए हैं। अब इसमें हम ये बारीक कटा हुआ जो सामान है हमारा इसे डाल लेंगे। ये बारीक कटी हुई प्याज डाल लेंगे हम इसके अंदर, लहसुन अदरक का पेस्ट, ये हरी मिर्च भी। इसमें डालेंगे हम आधी चम्मच नमक, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा डालेंगे हम गरम मसाला। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम थोड़ी सी मटर डाल देंगे। ये मटर हमने थोड़ी सी भाप में उबाल ली है, आप चाहो तो डाल सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। ये पिट्ठी बनके हमारी तैयार हो गई है। इसमें हमने जो मटर ली थी वो भी हमने मिक्स कर दी है अच्छे से। इसको हम साइड में रख देते हैं और जो हमने गैस पे पानी रख रखा था अपना उसको देख लेते हैं। ये पानी हमारा उबल गया है, इसमें अपनी सूजी डालेंगे। इस तरीके से इसे चलाएंगे, थोड़ा सा डालेंगे और चलाते रहेंगे इसको हम इस तरीके से। इसमें हम थोड़ी थोड़ी डालेंगे, एक चम्मच सूजी, चलाते रहेंगे इस तरीके से। ये देखिए इसका एक पेस्ट बन गया है, कितने अच्छे से पक गई है सूजी। हमें इस तरीके से ही पकाना है इसको। इसको हम ठंडा करेंगे और फिर इसके हम नाश्ता बनाना स्टार्ट करेंगे। सूजी का पेस्ट हमारा ठंडा हो गया है, देखिए इसमें हम आलू की पिट्ठी मिला लेंगे अपनी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके अंदर। अपने हाथों में रिफाइंड ऑयल लगाएंगे इस तरीके से दोनों हाथों में, और ये थोड़ी पिट्ठी लेंगे और ऐसे घुमाएंगे इसको। तो ऐसे रोल हम बना के तैयार कर लेंगे। ऐसे हम सारे बना के तैयार कर लेंगे, सारी पिट्ठी के हाथों से इस तरीके से, इस तरह की शेप देंगे। ये बन जाएंगे हमारे रोल। यहाँ पे हमने सारे रोल बना के तैयार कर लिए हैं, ये देखिए सारे बन गए हैं। अब इनको फ्राई कर लेते हैं हम। यहाँ पे हम एक चम्मच अरारोट लेंगे, और ये रोल जो हमारे बन चुके हैं इनको हम इसमें डिप करेंगे और फ्राई करेंगे। जो हमने ये रोल बनाए हैं हम इसमें डिप करेंगे अरारोट के पाउडर में इस तरीके से, और इसको हम फ्राई करेंगे। हमारा तेल गर्म हो चुका है, इसको हम डाल देंगे इसके अंदर। ऐसे हम सारे बना के बने हुए हैं जो हमारे रोल, इसको हम ऐसे डिप करेंगे इसके अंदर और हम इसमें डाल देंगे। ये जो हमने रोल बनाए हैं इनको हम ज़्यादा ना डालें, एक दो करके डालें,
नहीं तो ये चिपक जाएंगे एक दूसरे से। अब इनको मीडियम आंच पे सिकने देंगे। देखिए दोस्तों ये अच्छे से सिक चुके हैं, अच्छे से फ्राई हो गए हैं, ये कितने अच्छे लग रहे हैं करारे करारे से। इन्हें को उतार लेते हैं। कितने अच्छे बने हैं रोल हमारे आलू और सूजी से, देखिए करारे करारे से। ऐसे हम सारे डाल के इनको फ्राई कर लेंगे। ये हमारे स्नैक्स बनके तैयार हो गए हैं। देखिए कितने अच्छे बने हैं स्नैक्स हमारे, देखिए कितने अच्छे बने हैं। देखने में भी अच्छे लग रहे हैं और खाने में बड़े टेस्टी हैं ये। इनको आप ज़रूर ट्राई करें। ये नाश्ता बड़ा ही जल्दी बनता है और बहुत ही आसान है इसको बनाना भी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय बाय।